में हम बात कर रहे हैं कैलकुलेशंस। हमने लास्ट क्लास में बताया था कि किस तरीके से आप अपने मैथमेटिकल कैलकुलेशन को यहाँ पर ट्रिगर करेंगे, कैसे अपने जो मैथमेटिक फॉर्मूले हैं उनका यूज करोगे। आज की हमारी इस क्लास में हम बात कर रहे हैं कि इस पे हम लॉजिकल ऑपरेटर या लॉजिकल फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास ये डेटा आपके सामने दिख रहा है, डेटा में हमारा एक कॉल है। अब जैसे कि यहाँ पे टोटल कॉज दिया गया है कि मतलब कि किस सेल के लिए कितना कॉज किया गया है, तो हमारा स्टेटमेंट कहता है कि किसी ने अगर 50 से नीचे कॉल करके सेल कर लिया है, 50 से नीचे कॉल करके अगर सेल कर लिया है, इट्स अ गुड। सो मुझे अपने रिपोर्ट यहाँ पे रिपोर्ट में गुड एंड बैड का एक सिनेरियो चाहिए। तो इसके लिए हमने क्या किया, एक नया कॉलम ऐड किया। कॉलम टूल्स पे आते हैं, न्यू कॉलम। तो यहाँ पे जस्ट मुझे चेक करना है कि गेट लेस देन 50 है या नहीं है, जस्ट चेक आउट। तो यहाँ पे हम हेडिंग देते हैं और हम यहाँ पे टोटल कॉल्स टोटल कॉल्स इज लेस देन इक्वल टू 50 कर दिया, एंटर प्रेस कर दिया। एंटर प्रेस करते ही यहां पे देखिए ट्रू एंड फॉल्स आ गया, मतलब कि आप अपना मैथमेटिकल लॉजिकल ऑपरेटर डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे आप एक्सेल में करते हैं। तो लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है, इक्वल होता है, लेस देन होता है, ग्रेटर देन होता है, less than equal to, greater than equal to and not equal to, ऑपरेटर जो है डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हैं, बट रिजल्ट आपका ट्रू एंड फॉल्स में आएगा जैसे कि यहां आपको दिख रहा है। अब मैं यहां अपने डेटा में जाऊंगा और जैसे कि यहां पे हमने डेटा को लिया और हमने यहां गुड को यहां पे डाल दिया, तो यहां पे काउंट आ गया, बट एक टोटल काउंट किया है। तो इसमें हम यहां पे फिल्टर लगा देते हैं, क्या हो गया, क्लिक क्यों नहीं हो रहा है, लॉक तो कर दिया हमने। ओके एक मिनट, यहां पे क्विक मेजर्स पे क्लिक करके हम कुछ हैंग हो रहा है अच्छा से, हम यहीं पे फिल गेट पर कटेंगे। ओ हाँ, ये बिजली यहाँ पे कैलकुलेशन हो गया इसलिए फिल्टर नहीं हो रहा है, बट यहाँ पे फिल्टर हो सकता था।
बट एक कैलकुलेशन हो गया इसलिए फिल्टर नहीं हो गया। एडिशन यार इसका एक और उपाय है, हम यहाँ पे डायरेक्ट मेजर्स न्यू मेजर्स पे क्लिक करें क्योंकि इस पे ट्रू फॉल्स को उसने जो है ना नंबर की कैटेगरी से बाहर कर दिया है इसलिए। तो मैं यहाँ पे सिंपल कर सकता हूँ सम, और यहाँ हम सम के अंदर में कर देता हूँ गुड। अब बोले तो ट्रू फॉल्स को सम कैसे कर दे पा रहे हैं, तो ट्रू फॉल्स को हम सम इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि ट्रू फॉल्स सिस्टम के लिए जो होता है वो होता है 0 and 1, तो फॉल्स हमारा 0 होता है। नहीं कर पा रहे तो हमें अलग तरीका अपनाना पड़ेगा, जैसे यहां पे हम इफ कंडीशन लगा सकते हैं। जैसे कि यहां पर हम कर देंगे सिंपल सा कि इफ यहां पे 1 अदरवाइज 0, ताकि हम वहां पे इजिली शो कर सके। अब देखिए यहां हम अपने डेटा पे इजिली हम देख सकते हैं कि टोटल कितने हमारे ग्रेटर देन 50 सेल है, बस गुड को उठाया और यहां पर रख दिया। आ गया सर, तो यहां पे हम एक तो अपना कैलकुलेशन जो है वो कैलकुलेशन कर सकते हैं, लॉजिकल जो कैलकुलेशन है और लॉजिकल कैलकुलेशन को कर सकते हैं, अदरवाइज यहां पे हम अपना फॉर्मूला दे सकते हैं कि इसमें क्या होना चाहिए। तो हम बात कर रहे हैं इफ फॉर्मूला, तो इसमें इफ का क्या होता है कि सिंपल सा इफ दीजिए, इसके अंदर अपना लॉजिकल दीजिए ट्रू पार्ट एंड यहां पे फॉल्स पार्ट, सिंपल सा ट्रू पार्ट एंड फॉल्स पार्ट। अब यहां पे लॉजिकल में आप डायरेक्ट अपना लॉजिकल ऑपरेशन दे दीजिए या फिर ट्रू एंड फॉल्स दे दीजिए, इफ जो है ट्रू एंड फॉल्स ही मांगता है। अब इसे चलिए कुछ और हम करते हैं, जैसे कि एक चीज यहां पर हम देखना चाहते हैं कि ये तो क्वांटिटी पे हमने लगाया, अब तो टेक्स्ट पे लगाते हैं। जैसे यहां पे हमारा सेल्स है ऑनलाइन, जहां जहां पे ऑनलाइन सेल्स है, जहां जहां पे ऑनलाइन सेल्स है वहां पे हमारा एक एक्स्ट्रा डिलीवरी चार्ज लगा है, तो मैं जैसे मैं अपना डिलीवरी चार्ज देखना चाहता हूँ कितना लगा है, तो हमें करना है कि जहां भी ऑनलाइन है वहां पे 100 rupees यहां शो करना है। तो गुड को चेंज करके यहां पे हम कर देते हैं तो यहां पे हमें जस्ट इफ कंडीशन लगाना है कि इफ में हमने बोला यहां पे मोड सेल्स मोड इज इक्वल टू ऑनलाइन इन्वर्टेड कॉमा, तो यहां पे 100 अदरवाइज 0 कीजिए। तो यहां पे देखिए 100 आपके सामने दिख गया, अदरवाइज यहां पे बाकी जगहों पे 0 हो गया। अब यहां पे क्वेश्चन आता है कि हमने यहां पे सेम लिखा है, अगर मान लीजिए मैं यहां पे ऑनलाइन को हम ओ को स्मॉल कर देते हैं, मतलब चेकआउट करना है, एक्सेल में तो क्या होता है कि केस सेंसिटिव नहीं होता है, बड़े छोटे का फर्क आप रख सकते थे, क्या पावर बीआई में भी हमारा केस सेंसिटिव होता है या नहीं होता है, तो हम जस्ट इसको ओ जो है हमारा इस ओ को स्मॉल करके तो यहां पे देख रहे हैं कि हाँ वर्क कर रहा है, मतलब कि यहां हमारा केस सेंसिटिव नहीं होता है। तो सेल्स मोड हमने यहां पे टेक्स्ट इजीली टेक्स्ट डाल सकते हैं।
बट यहाँ पे मान लीजिए अगर हमारे पास मोर देन वन कंडीशन हुआ तब क्या होगा। जैसे हम क्वांटिटी को ही ले लेते हैं कि हमारा 50 से 80 के बीच में कितना सेल है, 50 से 80 में हमारा क्या होता है कि लिविंग कॉस्ट कब होता है। जस्ट मैं देना चाहता हूं कि यहां अगर 50 से 80 है तो हम कुछ और रिजल्ट शो कर सकते। तो मोर देन वन कंडीशन और कंडीशन रिक्वायर है तो उसके लिए क्या करेंगे, हम यहां पे 50 to 80 का दिया और यहां इफ कंडीशन पे आते हैं। इफ कंडीशन यहां पे हम लगाएंगे एंड, क्योंकि दो है, दोनों रिक्वायर है, तो यहां देंगे एंड। एंड में देंगे कि 50 नहीं यहां पे हमें देना होगा क्वांटिटी। क्वांटिटी इज लेस देन इक्वल टू 80, अगेन क्वांटिटी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 80 नहीं 50 है, मैं एक ही कंडीशन दे रहा था बार 50। तो जहां जहां 50 to 80 के बीच में होगा वहां वहां आपका ट्रू आ जाए, अदर जगह पे फॉल्स आ जाए। अब इस लगा के मैं ट्रू को 100 जो भी देना चाहते दे सकता हूं, लेकिन इसमें मेरा तीसरा कंडीशन भी ऐड करना है। तीसरा कंडीशन क्या है कि भाई ऑनलाइन होगा तो यहाँ पे 50 to 80 हटा देता हूं, मैं यहाँ पे कर देता हूँ डिलीवरी चार्ज। तो कहने मतलब है कि 50 to 80 पे हमारा जो है मात्र 40 रुपीज का डिलीवरी चार्ज लगता है, क्योंकि उसमें साइज कम होता है। तो अब यहां पे बात आती है कि डिलीवरी चार्ज हमें निकालना है, लेकिन कंडीशन तीन है। याद रखिएगा एक्सेल के अंदर में एंड के अंदर आप 256 के आसपास कंडीशन लगा सकते हैं, लेकिन पावर बीआई में आप एंड या और के अंदर मात्र दो कंडीशन ही लगा सकते हैं। तीसरी कंडीशन कैसे लगाएंगे, तो तीसरी कंडीशन के लिए आपको यहां पे इन द एंड फिर कॉमा, फिर मुझे यहां पे सेल्स मोड इज इक्वल टू ऑनलाइन। यहां पे हमारा फॉल्स आ गया, ट्रू फॉल्स। तो जहां जहां आप देखेंगे ऑनलाइन, एक बार देख लेता हूं ऑनलाइन 85 है, ठीक है, हाँ यहां पे ट्रू आया। अब इसको इफ कंडीशन की मदद से इक्वल 40 रुपीज, अदरवाइज यहां पे हम 100 कर देते। प्रॉब्लम यहां पर है कि हमने यहां 40 तो दे दिया बट 100 कर दिया, लेकिन जो 100 होना चाहिए था वो 100 सिर्फ होना चाहिए था ऑनलाइन वाले पे, बाकी भी 0 होना चाहिए था। तो इसमें हमें एक और इफ कंडीशन इस्तेमाल करना होगा इसके जगह पे। तो इफ हमने यहां पे दिया सेल्स मोड इज इक्वल टू ऑनलाइन, तो यहां पे 100 हो अदरवाइज 0। दो इफ क्लोज है, दो ब्रैकेट क्लोज करेंगे, अंडर ब्रेस करेंगे। अब बेटर है अतीश जी, समझ में आया आपको ये फॉर्मूला? सर इसमें ब्रेक का देखिए, पहले जो एंड जो आपने लगाया है वो समझ में आ रहा है कि 80 और 50 का दो कंडीशन है, दोनों ट्रू होता है तो उसके बाद ये डेटा वाला जो है ऑनलाइन वाला,
तो मेरा ये कहना है कि पहले हम ये कंडीशन लगा सकते हैं कि इफ ये अगर ऑनलाइन है तो उसमें फिर 80 और 50 को दूसरा कंडीशन चले और उसके बाद फिर तीसरा चले। फिर आपको इफ तीन तीन इफ हो जाएगा ना सर, इफ बनाना पड़ जाएगा। हम यहाँ बात कर रहे हैं जब आपको, देखिए दो चीजें होती है, एंड और का इस्तेमाल होता है जब आपको कई सारे कंडीशन पे एक रिजल्ट देना होता है। यहाँ पे मेरे पास तीन कंडीशन पे 40 देना है, तो अब आप पे डिपेंड करता है कि आप तीन डिफरेंट डिफरेंट इफ लगा, एक इफ के अंदर दूसरा इफ, दूसरे के अंदर तीसरा इफ, या फिर दो एंड लगा दो। ओके समझ गए ना, वो डिपेंड करता है। अगर हाँ तीनों इफ में अलग अलग रिजल्ट होता तो हमें अलग अलग इफ लगाते। समझ गए, हाँ। और एक क्वेश्चन है कि जैसे कि आपने बताया कि एंड के अंदर दो ही कंडीशन लगा सकते हैं, जी हाँ तो मल्टीपल इफ में तो लगा सकते हैं ना, मल्टीपल कंडीशन। हाँ मल्टीपल इफ में मल्टीपल कंडीशन लगा सकते। ओके देखिए सिंपल सी बात समझ लीजिए, बताते हैं। इफ का यूज होता है ट्रू फॉल्स के अगेंस्ट में रिजल्ट देना। कभी कभी क्या होता है कि हमें रिजल्ट ही ट्रू फॉल्स में चाहिए होता है, तो वहां पे इफ लगाना, इफ नहीं लगा के हम एंड लगा देते हैं। समझे कि नहीं, यस समझ गए। क्या होता है कि कभी कभी हमें एक कॉलम में कैलकुलेशन करना होता है। मान लीजिए हमने एक जगह पे ट्रू कर दिया, मान लीजिए कि एक जगह पे आपने ट्रू कर दिया, उस ट्रू के बिहाफ पे अगले 5-7 कॉलम में हमें कंडीशन लगानी है, तो हम इस कॉलम का रेफरेंस 5-7 जो इफ कॉलम है उसमें ले लेंगे, अदरवाइज नहीं तो क्या होगा, 5-7 पे इफ का कॉम्प्लिकेशन फॉर्मूला लगाना पड़ जाएगा। तो उस केस में हम लोग यहाँ पे एंड का इस्तेमाल या और का इस्तेमाल करते हैं। यस सर किसी को डाउट है? दिवाकर जी कोई डाउट आपको? नो सर सुरेश जी आपको कोई डाउट? जी तो इफ और इफ के साथ एंड का इस्तेमाल होता है। अब और भी इस्तेमाल कर सकते, लेकिन और का काम क्या था? और का काम होता था कि जैसे मेरे मान लीजिए ना कि मेरा पूजा उदय जो है ये हमारे इनहाउस के बंदे हैं, तो मुझे यहाँ पे टाइप का एक कॉलम ऐड करना है। तो न्यू कॉलम में आता हूं मैं, यहाँ पे मैं टाइप का देता हूं टाइप, और यहाँ पे मैं देता हूं और नेम नेम उदय। अब रिजल्ट आपका ट्रू या फॉल्स में आएगा। तो और हमने लगाया कि नाम उदय हो या पूजा, सब पे ट्रू फॉल्स आएगा। अब मैं इस ट्रू फॉल्स को इन हाउस एंड वेंडर दो दे सकता हूं। इफ एंड और हमारा ट्रू देता है तो यहां पे हो जाएगा इन हाउस, अदरवाइज हो जाएगा हमारा वेंडर। अब इसमें तीसरा कंडीशन आता है कि मुझे यहां पे एक एक नाम और ऐड करना है कि हमारा T2 भी जो है इन हाउस के अंदर आ गया है। अब मैं यहाँ पे T2 ऐड नहीं कर सकता क्योंकि इफ एक और में एक ही, मतलब एक और में दो ही हम दे सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो दो ही है, लॉजिकल वन और लॉजिकल थ्री। चौथा प्रश्न होता तो डॉट 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 लगा रहता, तो मैंने क्या किया, एक और ऐड कर देता हूं। और इस और में यहां यहां पे देता हूं ब्राइट कॉमा नेम इज इक्वल टू T2।
मतलब अब आगे आगे एक और लगा के एक एक कंडीशन ऐड कर सकते हैं। एरर आ गया, कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है, इन्वर्टर कॉमा छोड़ दिया। यस सर, अब इसका यूज हम लोग अपने डैशबोर्ड में आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि हमने टेबल लेता हूँ, हिसाब से सेल लेता हूं, क्लियर है? जी सर, डाउट इसमें? नहीं सर, चलिए तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए, कल की क्लास में हम आपको इससे आगे की चीज समझाएंगे। ओके सर।